नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। जापान में एक बार फिर तेज भूकंप, 11 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। प्रशासन ने जारी की सुनामी की चेतावनी। भारत अमेरिका संबंधों पर बोले अमेरिका के एडमिरल हैरी बी हैरिस, दोनों देशों के बीच गहरे हुए सैन्य संबंध, दोनों देशों के संयुक्त प्रशिक्षण और सैन्य अभ्यासों की भागीदारी में इजाफा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजन राइस ने आईएसआईएस को बताया सबसे खतरनाक आतंकी समूह। आईएसआईएस से लड़ने के लिए तैयार की 4 सूत्रीय रणनीति। आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में अराजकता का उठाया फायदा। दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आरआईसी को चीन ने बताया अच्छी व्यवस्था। रूस, भारत और चीन का होगा त्रिपक्षीय मंच। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 14वें आरआईसी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में होंगी शामिल। भारत फ्रांस ने कम किया आपसी मतभेद, अंतिम चरण में 36 राफेल लड़ाकू विमान करार। दोनों देशों के बीच कीमत के मुद्दे पर थे मतभेद। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।